नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं लाता हूं आपके लिए इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल वीडियोस। तो आज का जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे वर्मिन प्रूफिंग के बारे में एंड काम करने के टाइम में सेफ्टी को लेके। तो बहुत सारा ऐसा टाइम होता है जब काम करने के टाइम में इलेक्ट्रिकल पैनल में ऐसी चीज़ें, ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जैसे सांप, चूहा, जिसकी वजह से हजारडस हो सकता है काम करने वाले को, और इस तरह की दिक्कतें महसूस होती है। तो जब भी आप काम करें पैनल में तो आप इस तरह की चीज़ देख सकते हैं, जैसे अचानक से किसी इलेक्ट्रिकल पैनल को खोल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि चूहा है या फिर इस तरह के सांप घुसा होता है। थोड़ा सा भी अगर होल पाया गया है उस इलेक्ट्रिकल पैनल में तो आप वहाँ पर आप देख सकते हैं या अचानक से आपके ऊपर वो अटैक कर सकता है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर इस फोटो में देखिए कि छोटा सा एक पैनल है, होल है, उसमें ये सांप घुस गया है और अंदर ये हजारडस होता है। ये इलेक्ट्रिकल पैनल है, यहाँ पर देख सकते हैं चूहा किस तरह से शॉर्ट सर्किट के कारण बना है यहाँ पे। यहाँ पर जैसे ही पैनल को इस तरह से खोला गया, अंदर देखा गया कि एक इस तरह से सांप लपटा हुआ था अंदर में, ठीक है, और वो एक शॉर्ट सर्किट का कारण बना, जिसके कारण से अनवांटेड ट्रिपिंग हुई और काफ़ी चीज़ें प्रभावित हो जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ अनवांटेड ट्रिपिंग या फिर इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई कट होने से मतलब नहीं है, मतलब ये भी है कि कोई अगर वर्कमैन वहाँ पे काम कर रहा है तो वो भी प्रभावित हो सकता है। प्लस ये भी एक जीव है, इसको भी हानि हो सकती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रिकल पैनल को खोला गया तो देखा गया कि इस तरह से बहुत ही डेंजरस स्नेक अंदर पाया गया। ओके, तो इस तरह से पाया सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे एक मीटर के ऊपर ये पाया गया, देख घुसा हुआ था, बैठा हुआ था। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में यहाँ पे इस तरह से शॉर्ट सर्किट, बहुत ही भयानक शॉर्ट सर्किट हुआ इस स्नेक की वजह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक होल था जिसकी वजह से ये ऊपर घुस गया। तो कभी भी इलेक्ट्रिकल पैनल हो, कहीं भी आप काम कर रहे हो, वहाँ पे उस होल को जरूर बंद कर दें। होल को बंद करने के लिए एक सेल फोम नाम का मार्केट में इस तरह से फोम पाया जाता है। सिंपली आपको वो फोम वहाँ पर प्रेस करना है, डालना है, कुछ ही देर में जो होल होगा वो बंद हो जाएगा। इस तरह का जो होल है ना यहाँ पे वो बंद हो जाएगा। तो सिर्फ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं इसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, सेलफोम जैसे बाकी कई ऐसे प्रोडक्ट हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर सेलफोम या फिर किसी भी फोम से आप नहीं बंद कर सकते हैं तो आप किसी भी चीज़ से आप उसको सील कर सकते हैं, किसी भी तरीके से सील कर सकते हैं। आज के डेट में बहुत सारे तरीके हैं उसको सील करने के। तो मेनली ये मेरा कारण था। और जो वीडियो पाया गया वो मैं वीडियो दिखाता हूँ, लाइव वीडियो इलेक्ट्रिकल पैनल में किस तरह से शॉर्ट सर्किट हुआ, वो आप इसको देखें, ठीक है। और काम करने के टाइम में सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ सेफ्टी हेलमेट, जैकेट और सेफ्टी शूज से ही नहीं होगा। जब भी आप काम करें बी अवेयर, सावधान रहें। किसी भी पैनल को आप खोलते हैं, क्योंकि पैनल अक्सर नहीं खुलता है, वो कभी मेंटेनेंस के टाइम में या कभी कोई प्रॉब्लम आई तब जाकर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या टेक्नीसियन या कोई भी वर्कमैन इंजीनियर के सुपरविजन में खोलता है। अचानक से वो सांप है या फिर चूहा है या कुछ भी है, आपके ऊपर अटैक कर सकता है। तो काफ़ी सावधानी बरतने की चीज़ है। साइट पर ये सब सारी चीज़ें होती है, और ये अनुभव जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बीइंग एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड वी हैव वर्क ऑन साइट एंड वी रियली फेस ऑलवेज। सो आई विल सजेस्ट यू, बिकॉज आई नो दैट मेनी मेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आर रिलेटेड विद माई कनेक्टेड विद माई चैनल एंड दे आर वॉचिंग। सो प्लीज बी अवेयर एंड टेक केयर। सो इफ यू हैव लर्न समथिंग देन प्लीज सब्सक्राइब एंड डू शेयर माई चैनल। थैंक यू।